The next topic in your package is expansion series. आपको उसमें कुछ समझने वाला नहीं है, you have just to by heart it. जो जैसे e to power x की आपको सीरीज दे रखी है, उसे याद करिए. cos x, sin x, tan x, इन सभी सीरीज आपको याद होनी चाहिए. log 1 plus x की क्या सीरीज होती है, ये याद करिए. और इनको याद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनमें सब में क्या होता है, जैसे e raise to power x में तो सारी टर्म्स आती हैं, 1 plus x plus x square upon जो भी फैक्टोरियल चलता रहता है. बट जो दूसरी टर्म है sin x, cos x, ठीक है, उसमें ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगी, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, तो ये बहुत आसान हो जाती है याद करनी, ठीक है ना. लॉग में जैसे लॉग में ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है और x से शुरू होता है 1 plus x का जो है, तो ये बहुत आसान है याद करनी, ठीक है ना. बट दी शुड बी बाय हार्टेड वेरी प्रॉपरली, बिकॉज आगे जाके हम एक्सपेंशन सीरीज के ऊपर लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और अगर आपको एक्सपेंशन सीरीज याद है तो लिमिट्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना. अभी देखेंगे आगे जाके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे. अब कुछ बात करते हैं इन्फिनिटी के ऊपर, जो कि जनरली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है लिमिट्स में, ठीक है. कैसे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, देखो अगर मैं बात करता हूं लिमिट, ठीक है, लिमिट लगाने के बाद मेरा न्यूमरेटर तो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, और एक नीचे न्यूमरेटर जो वो कर रहा है, वो कर रहा है एक फाइनाइट नंबर, तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, इन्फिनिटी, ठीक है. अगर मैं उसका उल्टा करता हूं कि इफ अ नंबर इज अप्रोचिंग फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट नंबर जैसे कोई भी इंटीजर या नॉन रियल वैल्यूज अप्रोच कर रहा है, और नीचे इट इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हो जाती है जीरो. क्यों हो जाती है, देखो ना, फाइव अपॉन एक बहुत बड़ा नंबर कर दोगे तो क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको, एक डेसिमल वैल्यू मिलने वाली है. और इन्फिनिटी तो एक इतना बड़ा नंबर है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना बड़ा नंबर है, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देगा, तो हम उसको जीरो ही पुट कर देते हैं इवेंचुअली, ठीक है. और अगर जैसे जीरो को अप्रोच कर रहा है ऊपर, और नीचे क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर, तो व्हाट वी डू, वी पुट इट एज जीरो. क्योंकि देखो जीरो बहुत जीरो अप्रोचिंग क्या होगा, एक डेसिमल वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू अपॉन अ नंबर व्हिच इज फाइनाइट विल ऑलवेज डिक्रीज द वैल्यू, वो और उसको जीरो के करीब ले जाएगा, तो हम उसको जीरो पुट कर देते हैं. और अगर ऐसा हो लिमिट बी अपॉन लिमिट ए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये सिंपली हम इसे बी बाई ए से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है. जो दिस इज डायरेक्ट अगेन सब्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ नहीं करना हमने. अब देखो कंफ्यूजन आता कहां पर है, ये तो आसान टर्म्स थी, अब कंफ्यूजन आएगा कैसे लिमिट्स में. देखो अब मैं कहता हूं लिमिट x अप्रोचिंग जीरो, दैट इज जीरो अपॉन x. अब तुम्हें ये लग रहा है कि ये क्या है, जीरो अपॉन जीरो टर्म. मैंने पहले भी क्लियर करा था एग्जांपल लेके कि अप्रोचिंग जीरो और एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होने में अंतर है, ठीक है ना. एग्जैक्टली अगर इक्वल टू जीरो बनता है तो हम बात अलग करते हैं, लिमिटिंग केस है जीरो का तो अलग होता है. यहाँ ऑलरेडी एक एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, तो ये वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, ये जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एक्स नीचे लिमिटिंग है, ठीक है. और अगर यही बात मैं कह दूं जीरो बाय जीरो, देन इट इज नॉट डिफाइंड, ये अनडिफाइंड है, बिकॉज यहां जीरो जो है डिनोमिनेटर में आ गया, यहां जीरो नहीं है प्रॉपर डिनोमिनेटर में अभी, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं कहता हूं लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी ले लेता हूं, और ये कर देता हूं जीरो इंटू एक्स, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरी जीरो ही हो जाएगी, ये इंफिनिटी नहीं, ये जीरो इंटू अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ इंफिनिटी है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जीरो ही लिखते हैं. अब और देखो लिमिट एक्स अप्रोचिंग, जो आपका थर्ड दे रखा है इंफिनिटी एक्स रेस टू पावर जीरो, ये यहां फिक्स्ड है. कोई भी पावर रेस टू जीरो क्या होती है हमारी, फिक्स होता है कि वो वन ही आनी होती है, ये वन है. बट विच इज डिफरेंट फ्रॉम अगर मैं कहता लिमिट अप्रोचिंग इंफिनिटी टू अप्रोचिंग जीरो, दीज टू टर्म्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, ये अप्रोचिंग जीरो है, ये जीरो है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है. अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इसका क्या करोगे,
अब तुम कहोगे कि सर आपने बताया था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो होता ही नहीं है, तो दिस इज शुड बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, बट यहाँ इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दे रखी है x, और यहाँ भी x रिपीट हो रहा है, ये वैल्यू आपको जीरो ही मिलेगी। यहाँ अगर कुछ और होता ना कि ये होता आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर बोथ आर, ये भी इन्फिनिटी आ रहा है और ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो आप इसको अनडिफाइन कह सकते थे कि हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट यहाँ पर नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर तो ये जीरो ही होगा। सेम वैल्यू को माइनस करोगे यार, सेम से जाए, जितनी भी बड़ी हो जितनी भी छोटी हो, आना तो आंसर जीरो ही है, कॉमन मैथ्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। सिमिलरली इसमें डिवीजन का भी अगर मैं ऑपरेटर लगाता हूँ, एक्स अप्रोचिंग जीरो कर देता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये काट सकता हूँ मैं इसको, वन कर सकता हूँ, ये मैंने भी आपको सेकंड इलस्ट्रेशन में भी समझाया था कि दिस टर्म विल नॉट बी अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट, कि आप कहो कि यहाँ तो जीरो अप्रोच कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, नो, वी कैन कैंसिल इट बिकॉज इट इज अप्रोचिंग जीरो टर्म,